हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, अगर आपके मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये बार बार आ रहा है, प्लीज़ रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। तो फ्रेंड, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इस वीडियो में आपको इस प्रॉब्लम का पूरा सलूशन बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर आपके मोबाइल में ये नोटिफिकेशन बार बार आ रहा है, प्लीज़ रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, तो फ्रेंड इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर जो फ्रेंड आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो प्रोटेक्टर लगा है, स्क्रीन प्रोटेक्टर, फ्रेंड आपने उसको चेक करना है। अगर आपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर कोई गलत दूसरे मोबाइल का स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया है, जो ग्लास होती है, आपने उसको गलत लगाया है, फ्रेंड आपने उसको रिमूव करना है। अपने मोबाइल स्क्रीन से स्क्रीन प्रोटेक्टर हटाएं। फ्रेंड, स्क्रीन प्रोटेक्टर हटाने के बाद आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अगर फिर भी आपने अपने मोबाइल से स्क्रीन प्रोटेक्टर रिमूव किया और फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो फ्रेंड आपने देन अपने मोबाइल में सेटिंग करना है। सिंपली अपने मोबाइल में मोबाइल सेटिंग ओपन करें। मोबाइल सेटिंग ओपन करने के बाद फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ, आपने सेटिंग में चलो फ्रेंड आपने सेटिंग में यहाँ पर सर्च करना है। मोबाइल सेटिंग में सर्च करें, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। यहाँ ये मोबाइल सेटिंग मैंने ओपन किया, देन आपने यहाँ पर सर्च करना है सेटिंग में रीसेट। या जब आप रीसेट लेके तो यहाँ पर आ जाएगी रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, या आपके मोबाइल में यहाँ पर होगी रीसेट ऑल सिस्टम सेटिंग, तो आपने प्रेस करना है रीसेट ऑल सेटिंग पर। तो मैं मेरे फ़ोन में अगर रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आपने रीसेट पर क्लिक करना है सिस्टम सेटिंग पर, तो यहाँ पर आ जाएगी रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। फ्रेंड आपने अपने मोबाइल ऑल को रीसेट नहीं करना है, ओनली सिस्टम सेटिंग रीसेट करें। सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपने मोबाइल का पासवर्ड देना है। मोबाइल पासवर्ड एंटर करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आ जाएगी रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली, इस पर क्लिक करें। देन यहाँ पर आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, देन विल रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली। फ्रेंड जब आप इस पर क्लिक करें रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पर, तो आपका मोबाइल रिस्टार्ट हो जाएगी। रिस्टार्ट के बाद आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको फ्रेंड ये प्रॉब्लम मैंने इस तरीके से अपने मोबाइल में ये प्रॉब्लम फिक्स किया है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल का ग्लास जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्रोटेक्टर लगा है, उसको रिमूव करें। और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो देन आपने अपने मोबाइल सेटिंग को रीसेट करना है। फ्रेंड आप इस तरीके से प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।